हम इसी तरतीब से हलक तक जाएंगे, ठीक है जी। आगे जुबान की नोक आती है, होंठों के बाद क्या आता है जुबान की नोक। अब ये जुबान की नोक से अदा होने वाले हुरूफ है, ये भी जुबान के आगे वाले हिस्से से अदा होने वाले हुरूफ है, जुबान के आगे वाले हिस्से से अदा होने वाले हुरूफ है, जुबान के बीच से अदा होने वाले हुरूफ, जुबान की करवट और जुबान की जड़ से अदा होने वाले हुरूफ, इसी तरह खल से अदा होने वाले हुरूफ। ये जो जड़ से अदा होने वाले की प्रैक्टिस कर रहे हैं, शुरुआत में आगे आते हैं जी, इसके हम बात आगे जा करेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास में लम्हा हो रही है जी। ये हलक से अदा होने वाले हुरूफ, हमने होंठों से शुरू किया, हलक पे पहुंच गए, होंठों से अदा होने वाले ये दो लाइनों में लिखे गए हरूफ हैं, जुबान के आगे वाले हिस्से से ताल्लुक रखते हैं, जुबान के बीच से, जुबान की करवट और हलक, पांच ग्रुप्स के अंदर हमने इसको तकसीम कर दिया है, ठीक है, यानी आसान किया है मखारिज को। किस चीज को आसान किया है? मखारिज सीखना इस तरतीब से आसान हो जाते हैं। ये तरतीब डॉक्टर साहब ने क्यों बदली है? बच्चों को मखारिज आसान करने के लिए। अब ये तीन तीन हरूफ हर उंगली के ऊपर मौजूद हैं, यानी उनके ग्रुप बनाए गए हैं तीन तीन के, उनका एक अलग से मकसद मौजूद है, वो हम इंशाल्लाह टीटीआई में जाके उसकी उस पर बात करेंगे। आगे चलते हैं, प्रोफेसर अजीत की नज़म, यहाँ पे तीनों हरकत दी गई हैं, मा मी मु, मा मी मु, भा बी हु, वा बी हु, फा फी फु, था फी फु, ला बी हु। इस नज़म को इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ते हैं। ज़बर की अलग मौजूद है, ज़ेर की अलग है, पेश की अलग है, और वही हमारी असल नज़म कहलाती है। यहाँ तीनों हरकत को इकट्ठा किया गया है। अब ये एक सबक को देख लीजिए, हम इसको आगे गुजारेंगे। ये सबक है हमारा इब्तदाई किताब का। अब ऊपर मीम लिखा है, ये क्या है? मीम सबक का मीम है, मीम का सबक हम आज पढ़ेंगे। अब मीम के नीचे आपको दो शक्लें, जिस हरफ की मुख्तसर शक्ल होगी वहां पे दो नजर आएंगी, जिस हरफ की मुख्तसर शक्ल नहीं आती वहां एक ही नीचे लिखी हुई नजर आएगी। मीम दो शक्लों में आता है, मुकम्मल भी होती है, मुख्तसर भी होती है। वो दोनों चीजें हमने बच्चे को दी, जबर का तसव्वुर दिया, जबर से ये मा बना, फिर मा को मुकम्मल और मुख्तसर शक्ल में दिया। यहाँ मा पारण बच्चे के लिए नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चे को ना पढ़ाएं, क्योंकि पा और रा तो बच्चे को भी हमने सिखाया नहीं है। यहाँ अल्फाज साजी ने बच्चे ने मा की आवाज को तलाश करना है बस, और बच्चे ने कुछ नहीं करना। मा पारण बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं लिखा गया। बच्चे की जो अल्फाज आती है वो आगे बुकवान के अंदर आती है। यहाँ इब्तदाई किताब में कोई लफ्ज बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं दिया गया जी। यहाँ देखिए ज़ेर का तसव्वुर दिया, मीम मी पेश का दिया, मुँह मुँह ये बच्चे को पढ़ाने के लिए लिखा हुआ, पढ़िए। तमाम के तमाम असबाब जो इब्तदाई किताब के अंदर है, पहले मीम का है, बा का है, वा का है, फा का है, इसी तरतीब से चलते हैं।